चैनल अनवी व्लॉग। मैं अनम आपकी दोस्त और होस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्जी। अरे रुकिए, लौकी की सब्जी नहीं, लौकी के कोफ्ते। लौकी की सब्जी सुनकर सबके एक्सप्रेशन ऐसे ही आते हैं ना, लेकिन नहीं, आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। बहुत ही डिलीशियस एंड अमेजिंग रेसिपी है। ऐसा मैंने कहीं पर सुना था कि किताबों में देखकर तो रेसिपी हर कोई बना सकता है, लेकिन रेसिपी वही अच्छी होती है जो आप अपने दिल से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लौकी के कोफ्ते, वो भी मेरे अंदाज में। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले करते हैं कोफ्ते की तैयारी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम लौकी, 4 टेबलस्पून बेसन, 1 चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन जीरा, 1 टीस्पून हमें अदरक का पेस्ट लेना है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिए हैं अजवाइन, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हम अपनी लौकी को पहले ग्रेट करते हैं। एक पीलर की मदद से इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। अब एक कद्दूकस लेंगे इस तरह का, और बारीक वाली साइड से वो हम कद्दूकस कर देंगे, ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। याद रखिए, जितनी बारीक साइड से आप लौकी को कद्दूकस करेंगे, उतने ही अच्छे आपके लौकी के कोफ्ते बनेंगे, क्योंकि लौकी में बहुत सारा पानी होता है। अब हम इस लौकी को अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से आपको इस तरह से दबा दबा कर इसका पानी निकाल देना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अगर इसमें पानी रहेगा तो हमारी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। मैंने यहाँ लौकी का सारा पानी स्क्वीज आउट कर लिया है, अच्छे से दबा दबा कर निकाल दिया है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे बेसन, 4 टेबलस्पून। मैं फिलहाल 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बाइंडिंग अच्छी नहीं है तो आप बाद में और डाल सकते हैं। 1 चॉप अनियन, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, यहाँ हमारे पास है हमारा रोस्टेड क्यूमिन, ये गरम चीज है अजवाइन, गरम मसाला, नमक, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है किसी भी कोफ्ते में, बहुत ही टेस्टी, अच्छा टेस्ट देती है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा हमारा हरा धनिया कटा हुआ। कोफ्ते बनाए और हरा धनिया ना डालें तो हो ही नहीं सकता। अब करते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स। कोफ्ते का मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ही बेसन डाला है, मुझे और ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। अब हम इनके बनाएंगे कोफ्ते। अब मैं लेती हूँ एक प्लेट और छोटी छोटी बॉल्स तैयार करती हूँ कोफ्ते की। कोफ्ते की बॉल बनकर रेडी है, अब करते हैं इनको फ्राई। यहाँ मैंने 500 ml के करीब ऑयल लिया है, हमारा ऑयल गर्म होकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते। थोड़ा दूर दूर डालिएगा,
आपस में ये चिपक ना जाए। देखिए हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से सेक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक पेपर टॉवल पर निकाल देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, ये अंदर तक अच्छी तरह से सेक चुके हैं। और याद रखिएगा इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर तक सेक नहीं पाएंगे। कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम करते हैं अपने ग्रेवी की तैयारी। कोफ्ता ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज प्याज, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है, 2 मीडियम साइज टमाटर, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून आपको चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट, आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ जिंजर पेस्ट यूज कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्रेवी बनाना। यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए और उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जीरा, और प्याज का पेस्ट, इसको अच्छे फ्राई होने तक भून लेना है। प्याज फ्राई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। इस मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक का पेस्ट। अब इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि ये मसाला अच्छी तरह से भुनना जाए, इसमें खुशबू ना आ जाए। गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो चलिए अब खोलकर देखते हैं हमारे मसाले को। ये देखिए इसमें ऑयल कैसे ऊज आउट हो रहा है, यही इसकी निशानी है कि ये मसाला अच्छे से बनकर तैयार है। ये देखिए ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी कि हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी डालना है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। इसको कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास के लगभग पानी। इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते। ये देखिए बेसन के कोफ्ते काफी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। बेसन के कोफ्ते ही नहीं, कोई भी चीज पानी एब्जॉर्ब करती है, तो जब भी आप बेसन के कोफ्ते बनाएं
तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि बाद में फिर ग्रेवी सूखी सूखी लगने लगती है, ग्रेवी ख़त्म ही हो जाती है उसमें। ये इसमें चले गए कोफ्ते, इनको मैं अच्छी तरह से कोट कर दूंगी मसाले से और पानी से। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर ढककर एक बार और पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो हमारे कोफ्ते सॉफ्ट होकर टूटने लगेंगे। तो हम ढक देते हैं 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें अपनी स्लेट की हुई हरी मिर्च, इससे बड़ा टैंगी सा फ्लेवर आता है। और अब हम डालेंगे अपना हरा धनिया। ये तो कितना भी हो सब्जी में क्या बात है, शानदार मज़ा ही आ जाता है हरा धनिया डालने। इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। ये देख रहे हैं आप साइड में जो ये ऑयल आ रहा है साइड में, हाँ जी ये बिल्कुल, ये ऑयल ही आपको बता रहा है कि आपकी सब्जी बनकर तैयार है, यानी कि आपके कोफ्ते बनकर अब तैयार है। इस स्टेज पर करते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। तो चलिए अब इनको निकालते हैं एक बाउल में। तो चलिए अब करते हैं अपने कोफ्ते को डिश आउट। ये लिया हमने कोफ्ता, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बने हैं। तो देखा आपने लौकी के कोफ्ते कितने टेस्टी बने हैं और कितने सॉफ्ट बने हैं। लौकी के कोफ्ते बनाते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात ये है कि लौकी के कोफ्ते जब भी आप बनाए, लौकी को कद्दूकस करने के बाद आप उसका एक्सेस वाटर अच्छे से दबाकर निकाल दें, इससे आपकी बाइंडिंग अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप लौकी के कोफ्ते में बेसन डालें तो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, नहीं तो आपके लौकी के कोफ्ते टाइट हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप ग्रेवी के लिए उसमें पानी डालें तो पानी थोड़ा ज्यादा डालें, क्योंकि लौकी के कोफ्ते में बेसन होता है जो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो कैसे लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।